नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद्वान खड़े। राम मंदिर का इशू शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, फिर कुछ सरकारी शंकराचार्य भी आए मार्केट में, गोदी चैनल कुछ कर रहा है, लेकिन एक बात तय है कि योगी जी ने जैसा कहा कि राम के ऊपर कोई नहीं, शंकराचार्य भी नहीं, लेकिन फिर यदि मोदी जी बकौल जैसा कि कहा था चंपक राय जी ने कि वो विष्णु के अवतार हैं, तो फिर राम और मोदी एक है, इसलिए मोदी के ऊपर कोई नहीं। यदि नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो होगी। लेकिन हम बात किसी और आज खबर की तरफ लेके जाता हूं, क्योंकि वही सारी बातें आप लगातार सुन रहे होंगे, तो थोड़ा सा एक विषय अंतर मैं करता हूं। मोदी जी ने अभी नीति आयोग ने दिए हुए एक रिसर्च पेपर के हवाले से आज अपने भाषण में ये कहा, दक्षिण भारत में थे वो, तो उन्होंने ये कहा कि करीब करीब 28 करोड़ लोग जो है 25 करोड़ लोग सॉरी 28 नहीं 24.82 करोड़ यानी 25 करोड़ लोग गरीबी से उभर आए हैं पिछले 9 सालों में। तो ये जो आंकड़ा था उनका, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, बहुआयामी गरीबी का एक इंडेक्स है, उसके आधार पे किया। अब वो जो आधार है, वो इंडेक्स कैसा बनता है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ज्यादा मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो नीति आयोग और वो और सर्वे ये भी कहता है यूपी बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबों में कमी आई। फिर आगे आंकड़ा ये कहता है कि ये तीन पैरामीटर्स पे देखा जाता है कि एक है शिक्षा का, एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का और एक है स्वास्थ्य का। जब आप स्वास्थ्य देश का देखते हैं तो उसमें कुपोषण के केसेस कितने हैं ये देखे जाते हैं, जो नए जन्म हुए बच्चे के, नवजात बच्चों के मृत्यु दर पे देखा जाता है, और फिर माँ का स्वास्थ्य बच्चे के, शिक्षा में कितने साल तक बच्चा पढ़ रहा है और उसकी अटेंडेंस है कितनी क्लास में, ये देखा जाता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो पैमाने हैं उसमें गैस, स्वच्छता, पीने का पानी मिलता है नहीं मिलता, बिजली, घर या उसके पास और कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है वो, बैंक अकाउंट, ये पैमाने हैं जिसपे देखा जाता है। तो ये जनरली जो इंडेक्स है हमारा यहाँ हेल्थ का, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अलग अलग होते हैं, 2005-06 में सर्वे नंबर 3 हो गया था, NFHS बोलते हैं उसको, वो 3, फिर उसके बाद 2015 में 4 हो गया। तो इस सर्वे के आधार पे अब इसमें मजा ये है कि जो डाटा एनालिस्ट है वो इतना शातिर है ये लोग कि इन्होंने जो कोविड पीरियड का डाटा है वो लिया ही नहीं, क्योंकि कोविड पीरियड में कोई डाटा कलेक्शन हुआ नहीं। तो उन्होंने जो कोविड के जो साल थे 2 साल, उसको उन्होंने पिछले साल के हिसाब से ही लिया एवरेज। यदि पिछले साल ये एवरेज है तो यही 2 साल में भी होगा, जबकि इन तीनों पॉइंट्स पे यदि देखा जाए, हेल्थ पे, शिक्षा पे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, कोविड पीरियड में 12 बच चुके थे। और जितने अर्थशास्त्री हैं वो ये लोग कहते हैं कि जिस स्पीड से 2013-14 में गरीब अपने देश में 29.17% थे, वो घट के 11.28 आ गए। ये प्रतिशत घटने के लिए आपके जीडीपी का जो चढ़ने का रेट है, जीडीपी का बढ़ने का रेट है, वो 7.9 करीब करीब 8% होना चाहिए हर साल, लेकिन पिछले 9 साल से वो 5.7% ही आसपास बना रहता है।
तो उस जीडीपी ग्रोथ पे ये पैमाना फिट ही नहीं बैठता। फिर उसके बाद एक कंज्यूमर इंडेक्स आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये बताता है कि आदमी की बाइंग कैपेसिटी क्या है, उसके पास पैसा कितना है और वाकई वो गरीब है या नहीं। लेकिन 2014 से लेके ये सर्वे बंद हुआ है, सरकार ने बंद किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये इसमें फंसने वाला मामला हो जाएगा। वास्तविकता क्या है देश में, आज हम उस पे आते हैं। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार यदि मैं मानूं तो देश की जो अभी जनसंख्या है वो 140 करोड़ की है और देश में 35 करोड़ परिवार रहते हैं। अब इनकम स्लैब देखिए कितना कौन कितना कमाता है हमारे देश में। 49.7% लोग इस देश के, यानी करीब करीब आधे आधी आबादी इस देश की, जो करीब करीब 70 करोड़ बैठती है, जो 17.5 करोड़ परिवार हैं, 17.5 करोड़ परिवार है जिसमें 70 करोड़ लोग रहते हैं, जो हमारे देश की आधी आबादी के बराबर है, उनका हर महीने का इनकम 10,000 रुपए है। इसके मायने ही है कि वो 300 रुपए, 350 रुपए पर डे कमाते हैं। यदि एक परिवार की इनकम 350 रुपए है या 310 रुपए है तो वो परिवार चार लोगों का एक दिन में या 10,000 रुपये में घर का किराया, बिजली, पानी, मोबाइल, दवाई, बच्चों की फीस, खाना, ये सारी चीजें, केबल का चार्जेस, टेलीविजन के चार्जेस, ये कैसा देता होगा ये आप समझ सकते हैं। जिस देश की आबादी, आधी आबादी 300 सवा 300 रुपये प्रतिदिन के कमाई पे परिवार यदि जीता है चार लोगों का, तो एक आदमी का तो मैं 70 75 80 रुपये पकड़ता हूं पर हेड यदि गिने, तो क्या इसे गरीब माने या रईस माने। उसके बाद 20.3% आबादी, 28 करोड़ लोग, जो 7 करोड़ परिवार में बसते हैं, उनकी इनकम 10,000 से 17,500 के बीच में है। मतलब अभी 400 रुपये पे जाएगी। या 600 रुपये पे जाएगी, 550 रुपये आ जाएगा। 18.1%, 25 करोड़ लोग, जो 6.25 करोड़ परिवार में रहते हैं, उनकी इनकम 17,500 से 34,000 के ब्रैकेट में है। 7.8%, 11 करोड़ लोग, जो 2.75 करोड़ परिवार में रहते हैं, उनकी इनकम 34,000 से 69,000 प्रति मंथ के अनुसार है। और 4.1%, 6 करोड़ लोग, जो 1.5 करोड़ परिवार में रहते हैं, उनकी इनकम 69,000 प्रति महीने, प्रति माह से ऊपर है। तो जिस देश की आबादी यदि 17,000 भी पकड़े आप, तो 550 रुपये महीना, 550 रुपये रोज यदि कोई परिवार कमाता होगा, तो क्या वो कौन सी श्रेणी में आता है, मैं आप पे छोड़ता हूं। और प्रधानमंत्री कहते कि 28 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। यदि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए तो फिर 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज क्यों ले रहे हैं।
और 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेते हैं और 25 करोड़ उसमें जोड़ दें, तो फिर 106 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, तो मात्र 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर इस देश में थे। क्या ये आंकड़े हम माने? सरकार के अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े इतने एक दूसरे को काटते हैं कि फिर पता नहीं पड़ता सही कौन और गलत कौन। अब जब भी मैं बोलता हूं, जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी वो समझते हैं, कोई भी देश तब विकास करता है जब उसकी ग्रोथ, उसका विकास वी, अंग्रेजी वी अक्षर के शेप में होता है, जो विक्ट्री का बोलते हैं, कि गरीब भी ऊपर जाता है और रईस भी ऊपर जाता है, पैसे वाला भी पैसे कमाता है और गरीब भी पैसे कमाता है, तो देश का विकास होता है वी। वी पर विकास नहीं, वी पर विक्ट्री हो सकता है। लेकिन यदि के आकार का होगा, के ऐसा होगा कि पैसे वाला और ऊपर जाता है और गरीब और नीचे जाता है, तो समाज में पैसे क्यों लेके खाई बढ़ती है गरीब और रईसों के बीच में? क्या हमारे देश में वो खाई बढ़ती आ रही है? अब उसका मैं प्रतिशत आपको बताता हूं। जो मात्र 300 रुपए, 325 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला परिवार है, उसमें तो 2% की कमी आई है। ये क्रेडिटेबल बात है, अच्छी बात है। लेकिन फिर जो 10,000 से 17,000 के ब्रैकेट में, उसमें 3% बढ़ोतरी हुई है। 17,000 से 34,000 के बीच में 7% की बढ़ोतरी हुई है। 34,000 से 69,000 के बीच में 10% की बढ़ोतरी हुई है। और 69,000 प्लस जो पैसा कमा रहे हैं उसमें करीब करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब पैसा वाले और ज्यादा बढ़ रहे हैं और गरीब और कम हो रहे हैं। ये के का फॉर्मूला है। अब ये आंकड़े भी सरकार के हैं, 81 करोड़ आंकड़े भी सरकार के हैं। जितने गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं लोगों को और सब्सिडी दी जा रही है, 700 रुपए का गैस किसी को 400 रुपए का मिल रहा है किसी राज्य में, उसका आंकड़ा देखा जाए तो भी गरीबों का आंकड़ा अलग बताते हैं। 81 करोड़ तो गरीब फ्लैट दिखते हैं सामने, 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं। तो ये कौन सा आंकड़ा है जिसमें 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आ गए? हाल ही में बिहार में जो जाति जनगणना का सर्वे हुआ, और वो तो आंखें खोलने वाला है, और उसमें जो सामान्य वर्ग है, अब नीति आयोग का सर्वे कहता है कि बिहार में गरीबी कम हुई, और जो जन वहां का सरकार का, राज्य सरकार का जो सर्वे है, जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे, उसमें सामान्य वर्ग यानी अपर कास्ट 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब 6,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं। पिछड़ों में यह प्रतिशत 33% जाता है, अति पिछड़ों में भी यह प्रतिशत 34 के आसपास जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति में यह प्रतिशत 43 जाता है, और अनुसूचित जनजाति में यह प्रतिशत 42.70% तक जाता है, इसको भी 43 पकड़े। तो कुल मिला के बिहार के जो कुल परिवार हैं 2,76,28,925, उसमें से 94,33,312 परिवार यानी 34.14% परिवार 6,000 रुपये महीना के आसपास की कमाई होती है, यानी इतने गरीब हैं। इन परिवारों को नीतीश ने 2 लाख रुपए अपना कुछ काम शुरू करने के लिए देने की घोषणा की है। मैं उस पे नहीं जाता 2 लाख रुपए दे रहे, मैं ये बता रहा हूं कि 34.1 तिहाई बिहार 6,000 रुपए प्रति माह के से कम कमाता है परिवार एक। आप समझ सकते हैं जिंदगी कैसे जी रहे होंगे लोग।
और हम कहते हैं बिहार में सबसे ज्यादा गरीब कम हुए, कौन से अनुपात से, कहां पे? हवाई बातें कब तक चलेगी? प्रधानमंत्री जब ये आंकड़े बोलते हैं तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, या उन्हें झूठे आंकड़े परोसे जाते हैं, दो में से कोई एक है। और सत्यवचनी राम के वहां, एक वचनी राम के यहां बहुवचनी और असत्य वचनी लोगों का क्या काम? इसीलिए कलयुग है, जब सतयुग में भगवे कपड़े पहन के रावण ने सीता का हरण किया, इस कलयुग में तो रावण ही रावण है जो अपने मतदान का, आपके मतों का हरण करके सत्ता का सुख भोगते हैं और समाज में दूरियां पैदा कर देश की आर्थिक स्थिति को इतनी लचीर बना दिया कि आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ नहीं करेगी। 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज देश पे होगा, जिसको लेके चिंता की लकीरें आईएमएफ के सर पे दिखाई देती हैं, लेकिन हमारे नेता आराम से मनमर्जी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और समाज को जीने के मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं। जो कर्जा 2023 में भारत सरकार ने लिया वो 50 साल के लिए लिया, उस कर्जे की अदायगी 2073 में होगी। 2073 में जो लोग सत्ता में होंगे वो लोग नेताओं की जयंतियां नहीं मनाएंगे, इनके फोटो में हार नहीं लगाएंगे, जूते की माला पहनाएंगे, क्योंकि इनके किए हुए पापों की सजा उन्हें मिलना तय है। बहुत भयावह स्थिति में आपके सामने दर्शा रहा हूं। राम नाम का घोष अपने जगह पे है, राम की भव्यता अपने जगह पे है। भव्य मंदिर में बैठने से राम भव्य नहीं होगा, और बड़ा एयरपोर्ट और इतना बड़ा कॉरिडोर और सोने के दरवाजे और सोने का सिंहासन, मेरे राम तो भगवान ही तब बने जब झोपड़ी में रहने लगे। मेरे राम तो भगवान ही तब बने जब शबरी के बेर खाने लगे, नहीं तो वो राजकुमार थे। राम को समझना जरूरी है। राम तभी आते हैं जब राम राज्य स्थापित हो। रावण राज्य में राम अतिक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं, जहां रावण बसते हैं वहां राम आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने वाला वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाता। राम राम राज्य में बैठते हैं, और राम राज्य में बैठ बनाने के लिए सबसे पहले एक वचनी होना जरूरी है, सत्य वचनी होना जरूरी है। सत्य कड़वा होता है लेकिन उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। कई चीजें है राम की जिसको आदर्श वर्तमान सत्ताधीशों को पालना होगा। महात्मा कर्म कांड करने से आप राम के प्रेमी नहीं हो जाते। 3 दिन उपवास और 4 दिन जमीन पर सोने से राम नहीं मिलते। आपके कर्तृत्व में राम को उतारना होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने जब बोला 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, गरीबी से उठ गए हैं, तब आंकड़े खंगाले तो पूरा दिन भर व्यस्त रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से आंकड़े को माने। सारे आंकड़े सरकारी हैं और गोल गोल घुमाते हैं। कुल मिला के बिहार का एक उदाहरण दिया जहां 33% से ज्यादा, एक तिहाई आबादी गरीब है, और हमारे देश में 40 करोड़ में से 100 करोड़ जो लोग हैं वो 500 रुपए रोज से कम कमाते। परिवार अकेला नहीं। जब इस देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, राम राज्य स्थापित हो गया है जैसा कि लोग कहते हैं, सारे भाजपा ही कहते हैं, बेरोजगारी की समस्या हल हुई है, तो फिर मनरेगा का बजट क्यों बढ़ रहा है? मनरेगा तो बेरोजगारी का एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।